हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, हम सभी भाभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से छोटे बेबी का वेलकम किया और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आज हमारे छोटा बेबी का 1 मंथ का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, क्योंकि हमारा बेबी 1 मंथ का हो चुका है। तो हम सभी लोग मिलकर आज छोटा बेबी का केक कट करेंगे। तो यहाँ पे केक रखा हुआ है और ये मेरी प्यारी भतीजी सीबी है, जिनको आज बेटा हुआ है। तो अब वो केक कट होगा छोटा बेबी का, क्योंकि 1 मंथ बर्थडे है आज। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग पर। तो सबसे पहले छोटा बेबी का केक कट हो चुका है और शुभ के लिए छोटा बेबी को भी केक खिलाया जा रहा है। इसके बाद भाभी मना कर रही हैं कि छोटा बेबी को अभी केक नहीं खिलाना है, और हमारा छोटा बेबी गुस्सा भी हो गया है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं गुस्से में छोटा बेबी गुस्सा कर रहा है कि सबसे पहले मुझे केक खिलाओ। तो सभी कोई हंस रहे थे कि बताओ, अभी इतना छोटा बेबी है लेकिन केक खाने के लिए कैसे एकदम उत्सुक हो रहा है। इसके बाद भतीजी ने सबसे पहले बड़ी मम्मी को केक खिलाया, क्योंकि सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन होते हैं हर जगह, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो सबसे पहले भतीजी ने बड़ी मम्मी को केक खिलाकर मुंह मीठा कराया, और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग एक साथ हैं, इस तरीके का माहौल बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के। इसके बाद भतीजी ने मम्मी को केक खिलाया। तो इस तरह पहले सिटीजन लोग को केक खिलाया गया, इसके बाद भाभी लोगों को केक खिलाया गया। इस तरीके से सभी लोगों को अभी केक डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और ये हमारी रेखा भाभी हैं, मतलब कि मेरी भतीजी की मम्मी। तो रेखा भाभी को भी केक खिलाया जा रहा है। तो आप लोग मेरे चैनल पर देखते होंगे, मैं अपने सभी मायके वालों से आप लोगों को मिलवाती रहती हूँ। तो ये है मेरा मायके का परिवार। और ये इसके बाद दादा को सीबी केक खिला रही है। तो हमारे भैया हैं संजू भैया, सभी कोई केक खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। और छोटा बेबी के आने से घर में खुशियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मेरा छोटा भतीजा निकला है, वो भी मुझे देखकर ब्लॉगिंग करना सीख गया है। तो जिसको जहाँ जो क्लिप मिल रही है, सब लोग अपना ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद ये हमारी दूसरे नंबर की भाभी हैं, बेबी भाभी, इनको भी केक खिलाया जा रहा है। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको मेरी भाभियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो मायके में क्या है, भाभियों की एकदम लंबी जमात है, बहुत सारी भाभी हैं, आप तो इनका नाम भी भूल जाएंगे। इसके बाद जो पीछे खड़ी हैं वो हमारी भाभी की बहन है, इनका नाम भी मुझे भूल गया है, इनका क्या नाम है मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। तो सभी लोग छोटा बेबी के बर्थडे में शामिल हुए हैं, खुशियां मना रहे हैं, और खुशी की बात तो है ही। तो आप लोग भी अगर मेरे ब्लॉग चैनल में जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ कम से कम मेरी वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद ये हमारी भतीजी आंचल है, इसे भी केक खिलाया जा रहा है। तो इसके बाद हमारी ये नेहा भाभी भी आ चुकी हैं केक खाने। तो बस ये सेलिब्रेशन का दिन होता है, सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, केक कट करते हैं। और इसके बाद हम लोगों के तरफ बच्चे होने पर सोहर भी गाई जाती है, ये एक तरीका होता है खुशियों को मनाने का। तो अभी ये केक कटिंग का प्रोग्राम निपटेगा, इसके बाद कुछ गाना बजाना होगा, क्योंकि हम लोगों की फैमिली गाने बजाने में बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करती है, सभी लेडीजें इकट्ठा होती हैं। इसके बाद गाने बजाने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो बस अब ये केक कटिंग वाला फंक्शन जैसे ही ख़त्म होगा, इसके बाद गाना बजाने वाला जो प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। बहुत ज़्यादा गाने बजाने वाला प्रोग्राम नहीं रखा गया, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऐसी कुछ घटना हो गई है कि अच्छा नहीं लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा गाना बजाने का फंक्शन नहीं हुआ है, बस जस्ट ऐसे ही सुबह के लिए थोड़े बहुत गाने, जो सोहर खिलौना गीत, बच्चे के जन्म बधाई गीत, यही सब एक दो गाने ही मम्मी लोगों ने मिलकर गाया है। अगर वैसे तो गाने बजाने का अलग से फंक्शन होता है, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद भतीजी मुझे भी केक खिला रही है, तो चलिए केक खा लेते हैं। और सच बताऊं, ये वनीला फ्लेवर वाला केक बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा केक लगा मुझे। इसके बाद ये हमारी छोटी भाभी हैं, सानू भाभी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चुलबुली हैं, इनका कभी फेवरेट ब्लॉग।
जल्दी आने।